WWE की कुछ ऐसे मोमेंट्स जब एक रेसलर्स उस मैच के रेफरी के ऊपर अटैक किया था, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। 2016 के मंडे नाइट रॉ की एक एपिसोड में रोमन रिंग्स और शेमस के बीच एक मैच हुआ था फॉर दी WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और फ्रेंड्स, इस मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी थे विंस मैकमैन। लेकिन पूरे मैच में विंस मैकमैन चीटिंग किए और कई बार तो काउंट ही नहीं किया। और इसलिए रोमन रिंग्स बहुत गुस्से में आ गए और विंस मैकमैन को एक सुपरमैन पंच दे दिया। और एट द एंड इस मैच में रोमन रिंग्स जीत हासिल किया। गाइस, 2010 की मिक्स टैग टीम मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी थे द बेला ट्विंस, यानी कि निकी बेला और ब्री बेला। बट फ्रेंड्स, इस मैच के एक मोमेंट पे एक फीमेल रेसलर रेफरी को अटैक कर दिया। बट इसका रिजल्ट बहुत ही बुरा हुआ क्योंकि वो टीम इस मैच में हार गए। WWE की हेल इन अ सेल पेपर व्यू में हुआ था एक मैच राइबैक और सीएम पंक के बीच WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पे राइबैक सीएम पंक को समॉन ड्रॉप देने की कोशिश किया, बट रेफरी ने राइबैक को ही अटैक कर दिया। और उनको एक लो ब्लो दे दिया और इसी वजह से इस मैच में सीएम पंक जीत हासिल किया। WWE पेबैक पीपीवी में शार्लेट और नटालिया के बीच एक मैच हुआ फॉर दी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। और इस मैच में एक ऐसा वक्त आता है जहां पे शार्लेट नटालिया को उनकी सबमिशन मूव शार्ट शूटर दे दिया। लेकिन मजे की बात ये थी कि नटालिया उस मैच में टैप आउट नहीं किए, बट रेफरी ने फिर भी उनको हरा दिया। फ्रेंड्स, WWE की रॉ की एक एपिसोड में जब रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के बीच एक मैच हुआ था, तब इस मैच के एक मोमेंट पे जब रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस को सिंगल रोप से डीडीटी दे दिया, तब उस मैच के रेफरी बहुत जल्दी काउंट किया। और रैंडी ऑर्टन को जिताया। सो फ्रेंड्स, यही तक था आज का ये वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।